कुल्लू जिला में देवी देवता कारदार संघ को प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड की राशि जारी कर दी है, जिसको लेकर देवी देवता कारदार संघ ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का आभार जताया। कुल्लू जिला में 365 देवी देवता की मजारे एक्ट के तहत भूमि स्थानीय लोगों को चली गई थी, जिसके बाद कारदार संघ को प्रदेश सरकार ने पूजा हवन सामग्री के लिए रिवॉल्विंग की राशि दी है। कुल्लू व मंडी जिला के सैकड़ों देवी देवताओं के कारकुनों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने देव संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए देवी देवताओं को रिवॉल्विंग राशि जारी की है, जिससे सैकड़ों देवी देवताओं के कारदारों को लाखों रुपए की राशि वितरित कर दी गई है। जिला कुल्लू देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष जयचंद ठाकुर ने बताया कि 11 खंडों के कारदारों से वायदा किया गया था कि 90 दिन के भीतर रिवॉल्विंग फंड को प्रदेश सरकार से लाया जाएगा, जिसे प्रदेश सरकार ने पहली किश्त 5 करोड़ रुपए दी थी और दूसरी किश्त 3 करोड़ रुपए दी थी। उन्होंने कहा कि अभी तक सैकड़ों देवी देवताओं के कारदारों को 1 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई है। ये जो रिवॉल्विंग फंड चुनावों के दौरान मैंने जो वायदा किया था सभी कारदारों से कि जगह जगह जाके 11 खंडों में कि भाई पीछे ये बंद हो चुका था, और फिर उसके बाद मैंने ये चुनावों के दौरान जो वायदा किया इनको कि मैं 90 दिन के अंदर आपको रिवॉल्विंग फंड ला के रहूँगा, और जैसे ही मैं जीता और ये पैसा 2.5 महीने में हमने यहाँ लाया, और पहले किस्त मिली हमारे को 5 करोड़ की और दूसरी किस्त मिली हमारे को 3 करोड़ की, और जो 365 देवी देवता जिनकी ज़मीन मजारे एक्ट में चले गई ये पैसा उनको है, मंडी से भी मंडी को भी है, ऐसी बात नहीं कि कोई थोड़े देवते हैं उधर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो हमारे यहाँ कुल्लू में ही है और ये सब जगह बांटे जा रही है। और अभी 100-250 कारदारों ने अपने फॉर्में भरे हैं, जिसकी ज़मीन 10 बीघे हो या 20 बीघे हो, 50 है उनको तो 10,000 है, किसी को 15,000 है, किसी को 18 है, किसी को 22 है, और जो 50 बीघे से ऊपर भूमि जिसकी मजार एक्ट में चलेगी उनको 25,000 है, इतनी राशि दे दी। क्या अलग 1 करोड़ से ऊपर राशि बांटी गई है, बाकी अब फॉर्म में भर रहे हैं लोग, ले जाते रह रहे हैं, चेक आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।